हे गाइस, मैं हूँ सत्य। तो अभी फिर से जो डॉलर का प्राइस है वो हमारे इंडिया में बढ़ गया। अभी प्रेजेंट टाइम में एक डॉलर का वैल्यू है 81.26 पैसा। तो अभी इंडिया में एक डॉलर का वैल्यू 81.26 पैसा तक पहुंच चुका है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाई इज डॉलर प्राइस इंक्रीजिंग इन इंडिया, किस लिए इंडिया में डॉलर का प्राइस बढ़ता ही रह रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है 1947 की। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया पहली बार इंटरनेशनल व्यापार किया। तो उस टाइम में जो डॉलर का वैल्यू हमारे इंडियन रुपीस के मुकाबले इक्वली था, मतलब कि एक डॉलर एक इंडियन रुपीस के बराबर था। लेकिन जब 1962 में इंडिया चाइना के साथ वॉर किया और उसके बाद 3 साल के बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ भी वॉर किया, इन दोनों वॉर में तो इंडिया को जीत मिला लेकिन काफी नुकसान भी झेलने को पड़ा। तो उस नुकसान को भरने के लिए इंडिया अमेरिका से जितने भी सामान को इनपुट कर रहा था उससे ज्यादा इनपुट करने लगा, जिसके वजह से अमेरिका पहली बार डॉलर का वैल्यू इंडिया में 7.50 पैसा तक बढ़ा दिया। तो तब से लेकर इंडिया में हर साल डॉलर का वैल्यू बढ़ता ही रहता है, बढ़ते बढ़ते आज 81.26 पैसा तक बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम 2021 से 2022 तक इंडिया का इनपुट एंड एक्सपोर्ट का लिस्ट को अगर हम देखेंगे, इंडिया टोटली 422.08 बिलियन डॉलर का सामान को एक्सपोर्ट किया है, मतलब कि 422.08 बिलियन डॉलर का सामान को दूसरे देशों को बेचा है और 612.61 बिलियन डॉलर का सामान दूसरे देशों से खरीदा है, यानी कि इनपुट किया है। तो यहाँ पर इंडिया 22 कंट्री के साथ इनपुट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। तो उनमें से दो कंट्री की बात करते हैं। पहला है तो यूनाइटेड स्टेट, यूएस को 76.11 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था और 43.31 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा था, और चाइना में 21.25 बिलियन डॉलर का सामान को बेचा था और 94.16 बिलियन डॉलर का सामान को खरीदा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इंडिया अमेरिका के मुकाबले चाइना से ज्यादा सामान को खरीदा है, तो यहाँ पर चाइनीज करेंसी का वैल्यू बढ़ना चाहिए हमारे इंडिया में। लेकिन चाइनीज करेंसी का वैल्यू ना बढ़ के अमेरिका का डॉलर करेंसी किस लिए बढ़ा? क्योंकि ना जो डॉलर है वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी इट मींस कि आप किसी के भी साथ इंटरनेशनल व्यापार करते हो तो उस बिजनेस को आपको अमेरिका डॉलर के हिसाब से डील करना होगा। तो यहाँ पर सवाल आता है कि वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी सिर्फ डॉलर ही क्यों बना? दुनिया में तो और भी करेंसी है लेकिन डॉलर ही क्यों? हालांकि दुनिया में यूरोप एंड येन करेंसी से भी इंटरनेशनली आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन 90% या फिर अमेरिकन डॉलर से ही होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो ये बात है 1944 की। तो उस टाइम में वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने की कगार में आ चुका था। तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जो कंट्री वॉर के वजह से तबाह हो चुका था उसे कैसे रीडेवलपमेंट किया जा सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था सबके मन में। तो ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1944 में जुलाई 1 से जुलाई 22 तक अमेरिका में एक मीटिंग चला, जिस मीटिंग का नाम है ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। और ये मीटिंग में IMF एंड वर्ल्ड बैंक को भी स्थापित किया गया। अमेरिका यहाँ पर एक लौता कंट्री था जिसमें वर्ल्ड वॉर टू में ज्यादा तबाह नहीं हुआ था, और अमेरिका का डॉलर एक लौता ही करेंसी था जो कि रिलायबल और स्टेबल था। इसलिए ब्रिटेन की सपोर्ट की वजह से अमेरिका की करेंसी को IMF एंड वर्ल्ड बैंक की तमाम ट्रांजेक्शन को डॉलर में करने के लिए मान्यता दे दिया गया, और तब से जो कंट्री इंटरनेशनल में बिजनेस करेगा उसे डॉलर की प्राइस के हिसाब से करना होगा। तो अब बात करते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो इंडिया जितना भी सामान को एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा सामान को इनपुट करता है, इसके वजह से इंडिया में डॉलर का प्राइस बढ़ता ही रहता है। तो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव वाटर। जय हिंद, जय भारत।